हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं वेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली जो वेव है इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हो पाता है। इसके पीछे जो रीज़न है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से जो रीज़न है वो ये है कि ये चैप्टर अच्छे से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे कोचिंगों में लास्ट में पढ़ता जल्दी जल्दी में इसको निपटा दिया जाता है, ये एक मतलब मेन रीज़न माना जाता है। बट अब देखो, अगर इसके क्वेश्चन करने में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर उतना कर लोगे तो तुम्हें वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन उठाते हैं ये 2020 में आया था और ये जो क्वेश्चन है वो बीट्स नाम के टॉपिक से रिलेटेड है। कहता है गिटार स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है गिटार के, एक ए है एक बी है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, स्लाइटली जो है आउट ऑफ टोन है, प्रोड्यूस बीट्स। अब सिक्स हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, अब आप ये वाली ट्रांसवर्सल वेव इसमें जनरेट होती है, पड़े हुए स्ट्रिंग दोनों साइड अटैच है तो इसमें अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी एफ है 1/2L जनरल फ्रीक्वेंसी n/2L और T/μ√, ये होती है अपनी फ्रीक्वेंसी, जो जनरल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ये होती है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन T दोनों A एंड B के लिए, बिकॉज जो म्यू है वो सारा ये कॉन्स्टेंट है, लेंथ भी कॉन्स्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारे पास दो है, एक का नाम ए है और दूसरे स्ट्रिंग का नाम वो बी है। समझने की कोशिश करना स्लाइटली। अब देखो बी जो बी है उसमें हम टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इमेजिन करो कि टेंशन डिक्रीज होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बाई अप टू 7। बीट कब, बीट फ्रीक्वेंसी इसको भी और इसको भी एक साथ वाइब्रेट किया गया तो, और उसके बाद टेंशन डिक्रीज करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी 7 इंक्रीज हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 530 हर्ट्ज़ है, ये ऑलरेडी मेंशन है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है बी, बी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है समझना इसको। अब यहां पे बीट्स क्या होती है, बीट्स एक सुपरपोजिशन की फिनोमिनन है जिसमें हम अल्टरनेटली हाई एंड लो पिच सुनाई देती है। ये बात आपको समझ में आता होगा। तो ये तो क्लियर है कि एक ही फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट है बी की फ्रीक्वेंसी निकालना, ये वाली चीज। तो अगर आपको बीट्स, पहले 6 बीट्स मिला है तो अगर आपको पढ़े होगे कि बीट्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी एफ बी मॉड इज इक्वल टू 6 बीट्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी एफ बी जो है वो हो जाएगा एफ ए प्लस माइनस 6, ए आप पढ़े होगे 530 प्लस माइनस 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो कि बी की फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास आ जाएगा 536 या 524 हर्ट्ज। ये तो क्लियर हो गया कि जो बी की फ्रीक्वेंसी है इन दोनों में से एक सही है, 536 हो गया या 524 होगा, यही बी की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं है, वी डोंट नो अबाउट कि बी की फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी है। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमारे पास दूसरा कंडीशन ऑलरेडी मेंशन है कि अब हम टेंशन बी में डिक्रीज करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, किसकी, बी की। तो बी की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बी की तो दो दो फ्रीक्वेंसी है यार। तो अगर टेंशन डिक्रीज करोगे तो बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई। तो जो नया बीट्स मिला, नया बीट्स मतलब इसके जो डिक्रीज करने के बाद, समझना, डिक्रीज करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई उसके साथ और इस फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ जो बीट्स मिला वो 7 बीट है। तो अब चलो, पहले टेंशन डिक्रीज करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो इस, अगर ये डिक्रीज होता है तो कितना होगा यार, 535 होगा, 534 होगा और ये
533 होगा, इस टाइप से डॉट डॉट डिक्रीज हुआ। अब अगर इसमें डिक्रीज हुआ है टेंशन डिक्रीज हो तो ये है 523 हुआ और ये 522 हुआ, इस टाइप से कुछ। अब एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है ये ए की फ्रीक्वेंसी है वो 530 हर्ट्ज, तो 530 हर्ट्ज के साथ और जो टेंशन डिक्रीज होने के बाद इन सभी के साथ जो नया बीट्स मिला वो यार 7 बीट्स मिल गया। तो देखते हैं किसके साथ 7 बीट्स मिलता है। चलो तो 535 और 530, तो अगर इसमें देखो डिफरेंस डिफरेंस कितना 7 बीट मिलेगा, 5 बीट मिलेगा यार, ये 34 है और ये 30 है तो कितना बीट मिला, 4 बीट मिला, ये 33 है और ये 530 है तो 3 बीट मिला, मतलब इसके साथ डिक्रीज होने में 7 बीट नहीं मिल रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी 536 सही नहीं हो सकता। 523 और 530 इन दोनों में डिफरेंस लो, ऑब्वियसली 7 बीट मिल गया, और 522 और इसमें डिफरेंस लोगे तो जो है वो 8 बीट मिल गया, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 524 एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है बी की, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम सवाल सॉल्व करते हैं, मतलब ए ऑप्शन सही है। बेहतर तरीके से देखो, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझा।